आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेयर विल बी द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4 एंड ऑप्शन 4 5। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि जो आर क्लॉक है वो कहाँ पे स्टॉप होगा, और अगर जो क्लॉक में 7 o'clock हो रहा है तो ये जो 7 o'clock आर हैंड है, ये जो निडल है, ये 3 राइट एंगल्स घूमने से कौन से आर पे आके ये रुकेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, जो आर हैंड है वो 7 o'clock को शो कर रहा है। सो देयरफॉर ये जो आर हैंड है ये 12 आवर्स में पूरा कंप्लीट 1 राउंड को कंप्लीट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन 360 डिग्री दिस नीडल, ये जो आर हैंड है ये नीडल क्या कितना कितने डिग्री बना, कितने आवर्स को कवर करता है, 12 आवर्स को कवर करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इन 360 डिग्री दिस नीडल हैंड, दिस आर हैंड इज मेकिंग 360 डिग्री एंड इट इज टेकिंग 12 आवर्स टू कंप्लीट दिस 360 डिग्री। और 1 डिग्री ये कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, 12 बाई 360 डिग्री में कंप्लीट करेगा। 3 राइट एंगल, अब हमें देखना है कि ये जो 3 राइट एंगल है ये कितने डिग्री को कवर करता है। तो हमें ये पता है कि ये तो 3 राइट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होती है। तो 3 राइट एंगल मतलब 3 इंटू 90 डिग्री एंड इसका आंसर होता है 270 डिग्री। तो ये आर हैंड जो है 270 डिग्री घूमेगा, तो ये कौन से आर पे आके रुकेगा ये हमें फाइंड करना है। तो 270 डिग्री में ये जो आर हैंड है ये 12 बाई 360 इंटू 270 टर्न करेगा, कितने आर पे आके ये रुकेगा। तो हम देखते हैं ये कितने आवर्स घूमेगा। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 94 जा 36 है, ये 93 जा 27 है एंड 4 से अगर हम 12 को कैंसिल करते हैं तो ये 3 है। तो हम देखते हैं कि ये जो आर हैंड है ये 270 डिग्री अगर घूमेगा तो 9 आवर्स वो ट्रेवल करेगा। तो 9 आवर्स वो यहाँ से अगर हम 9 आवर्स काउंट करते हैं तो हमारे पास ये जो नीडल है ये आर नीडल है ये कौन से आर में आके रुकेगा ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो आर हैंड है ये 4 o'clock आके रुक जाएगा। अब हम इसे स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो जो आर हैंड है ये 9 आवर्स अगर घूमता है तो ये 4 o'clock जाके 4 o'clock में जाके एंड करेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आर हैंड है ये जब 9 आवर्स घूमेगा तो 4 o'clock में आके रुकेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास जो आर हैंड है वो 7 को लोकेट कर रहा था पहले, और इसने 270 डिग्री को जब टर्न किया विच इज इक्वल टू 3 राइट एंगल, तो ये 4 o'clock को आके शो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 o'clock को ये जो आर हैंड है ये शो करेगा। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।